गुड मॉर्निंग। आवर टुडेज टॉपिक इन द सब्जेक्ट MET 9 विल बी प्रोडक्शन ऑफ कॉपर विच इज ए नॉन फेरस मेटल एंड वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी? कॉपर इज सेकेंड ओनली टू सिल्वर इन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द थर्ड एंड फोर्थ हाईएस्ट मेटल इन बोथ कैटेगरीज। अर्थात सिल्वर के बाद कॉपर ही सबसे अच्छा इलेक्ट्रिकल और थर्मल का कंडक्टर है। कॉपर कोरोजन रेजिस्टेंट होता है तथा हवा में इसका ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी अधिक होता है तथा इसमें फ्यूम बनाने की कम टेंडेंसी होती है अन्य नॉन फेरस मेटल की तुलना में। प्योर कॉपर बहुत ही डक्टाइल होता है, यानी इसको आसानी से तार के रूप में खींचा जा सकता है। हालांकि शुद्ध तांबे का तार बहुत मजबूत नहीं होता है और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर एलॉयिंग एलिमेंट्स कॉपर की कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। 10% एल्यूमिनियम मिलाने पर कॉपर की स्ट्रेंथ तो दुगनी हो जाती है लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 80% घट जाती है। कॉपर की सतह पर पाए जाने वाला नीला हरा पदार्थ उसके सराउंडिंग के कारण होने वाले इफेक्ट्स को दिखाता है। कॉपर बायोलॉजिकली भी काफ़ी एक्टिव है। यह इसलिए है क्योंकि इसकी पानी तथा ऑर्गेनिक पदार्थों जिनमें नाइट्रोजन या सल्फर हो उनके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाने की प्रवृत्ति होती है। यह बड़े माइक्रोमाइक्यूल मॉलिक्यूल्स भी क्रिएट करता है। कॉपर ऑर्गेनिक पदार्थों के साथ भी बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कॉपर फ्री रूप में आयनिक फॉर्म में नहीं पाया जाता है। कॉपर ओर की प्रोसेसिंग यानी कॉपर अपने अयस्क से किस प्रकार बनाया जाता है? कॉपर प्रोसेसिंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यानी कॉपर की प्रोसेसिंग एक कठिन प्रक्रिया होती है जिसकी शुरुआत ओर की माइनिंग से शुरू होती है जिसमें 1% से भी कम कॉपर होता है तथा लास्ट प्रोडक्ट में 99% कॉपर होता है जिसे कॉपर कैथोड कहते हैं, जिसका इस्तेमाल फाइनल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। कॉपर के प्रमुख अयस्क कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड होते हैं जिसको दो अलग अलग प्रोसेस द्वारा कॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड के लिए हाइड्रोमेटलर्जी तथा कॉपर सल्फाइड के लिए पायरोमेटलर्जी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस चित्र में हमें देख सकते हैं कि माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग और प्राइमरी क्रशिंग, यह प्रक्रिया जो कि माइंस में करी जाती है,
यह दोनों ही प्रकार के अयस्कों के लिए कॉमन है, ऑक्साइड तथा सल्फाइड। ऑक्साइड ओर में फाइनल प्रोडक्ट बनाते समय हीट ब्लीचिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तथा इलेक्ट्रोवीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जबकि सल्फाइड ओर में फ्रॉथ फ्लोटेशन, थिकनिंग, स्मेल्टिंग तथा इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। कॉपर ऑक्साइड सतह के हिस्से में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसे लो ग्रेड का ओर माना जाता है जिसमें कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती है। हालांकि इसके लिए प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और यह कम एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ऑक्साइड ओर का माइनिंग अभी भी प्रॉफिट का काम माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ सल्फाइड ओर कम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कॉपर की परसेंट अधिक होती है। ऑल्दो द प्रोसेसिंग कॉस्ट आर हायर, अल्टीमेटली मोर कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड। सल्फाइड अयस्क से कॉपर बनाते समय प्रोसेसिंग कॉस्ट अधिक होती है, लेकिन कॉपर का प्रोडक्शन भी अधिक होता है, क्योंकि हर माइनिंग साइट अलग होती है, इसके मिनरल कंपोजिशन, कंसंट्रेशन, क्वांटिटी। इसलिए माइनिंग किस प्रकार करी जाए इसके लिए कई तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, और अगर संभव हो तो एक ही माइन से दोनों प्रकार के ओर का माइनिंग करी जाती है, अर्थात ऑक्साइड और सल्फाइड। प्रोसेसिंग ऑफ कॉपर ओर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग फॉर बोथ द ओर्स इज माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। दोनों प्रकार के ओर के लिए पहला चरण माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग होता है। कॉपर ओर की माइनिंग ओपन पिट माइनिंग होती है, यानी जिसमें सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गहराई तक जाते हैं, तथा इसमें बोरिंग मशीनरी का इस्तेमाल करके एक्सप्लोजिव के द्वारा ओर की चट्टानों को तोड़ा जाता है तथा इन्हें बाहर लाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त चट्टाने बोल्डर्स हॉलिंग के लिए तैयार रहते हैं, जिसके लिए विशेष प्रकार के ट्रक, कन्वेयर, ट्रेन तथा शटल कार्स प्रोसेसिंग साइट पर लगी होती हैं। यह इक्विपमेंट्स कई टन ओर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। मोस्ट ऑफ द ओर आर देन सेंट टू ए प्राइमरी क्रशर। ज़्यादातर ओर को प्राइमरी क्रशर में भेजा जाता है, जो कि जनरली पिट के करीब होता है, और यह बोल्डर्स को गोल्फ बॉल के आकार की चट्टानों में तोड़ देता है। ऑक्साइड ओर की प्रोसेसिंग। ऑक्साइड ओर की प्रोसेसिंग हाइड्रोमेटलर्जी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया वाटर बेस यानी एक्वस होती है। वाटर बेस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर
निकाला जाता है, जो कि मुख्यतः तीन चरण में होता है, हीप लीचिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और इलेक्ट्रोविनिंग। हीप लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग परकुलेटिंग केमिकल सॉल्यूशन टू लीच आउट द मेटल। हीप लीचिंग वह प्रक्रिया होता है जिसमें कि हम केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है मेटल को अलग करने के लिए। हीप लीचिंग का इस्तेमाल लो ग्रेड ओर में किया जाता है जिससे कि मिलिंग प्रक्रिया से बचा जा सके। मिलिंग, ट्रांसपोर्टिंग और क्रशिंग के बाद गोल्फ बॉल साइज के ओर्स को एक ढेर पर रखा जाता है जो कि एक स्लाइट स्लोप रखती है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्रश्ड ओर हीप यानी ओर का ढेर रखा हुआ है और ये स्लाइट स्लोप यानि हल्का सा झुकाव है और इसके ऊपर हम यहाँ देख रहे हैं परकुलेटिंग केमिकल सॉल्यूशन यानि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव किया गया है और यह एसिड इसमें से मेटल को लेता हुआ अपने साथ कलेक्शन पूल की तरफ आता है। ये कलेक्शन पूल में 60-70% कॉपर होता है जिसे अलग कर लिया जाता है तथा एसिड को रिसाइकलिंग कर पुनः स्प्रिंकलर की ओर भेज दिया जाता है। द लीचिंग रिएजेंट यानी लीचिंग एजेंट जो है, जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका स्प्रिंकलर यानी छिड़काव किया जाता है ऑफ द हीप पाइल इस ओर के ढेर पर और उसको उसकी सतह से बहने दिया जाता है। सतह से बहने के दौरान यह एसिड कॉपर को अपने साथ डिजॉल्व कर लेता है और प्रेग्नेंट लीच सॉल्यूशन बन जाता है। इसमें कॉपर की कंसंट्रेशन अब 60-70% तक हो जाती है। सेकेंड स्टेप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड यानि अनमिक्सिंग, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना होते हों, इनको हिलाया जाता है तथा अलग होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें से एक सॉल्यूशन में कॉपर अलग हो जाता है। प्रेग्नेंट लीच सॉल्यूशन यानी जो हमारे पुराने पिछली प्रक्रिया से प्राप्त हुआ उसको सॉल्वेंट के साथ तेजी से मिलाया जाता है और ये कॉपर लीच सॉल्यूशन के साथ माइग्रेट हो जाता है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को सॉल्युबिलिटी के आधार पर अलग होने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे कि कॉपर सॉल्यूशन के साथ सॉल्वेंट पर रहता है तथा अशुद्धियाँ लीच सॉल्यूशन में रह जाती हैं। लेफ्ट ओवर लीच सॉल्यूशन इज देन रिसाइकल, बचा हुआ लीच सॉल्यूशन को पुनः यूज में लाया जाता है जिसमें कि एसिड की आवश्यक मात्रा डाल दी जाती है तथा इन्हें पुनः स्प्रिंकलर यानि फर्स्ट स्टेप में छिड़काव के लिए यूज किया जाता है। लास्ट स्टेप इलेक्ट्रोविनिंग है, यह एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया है। एक इनर्ट एनोड यानि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करी जाती है और पिछले स्टेप से बनाए हुए कॉपर सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन जिसे कैटायन कहते हैं सॉल्यूशन से बाहर मूव करता है
तथा कैथोड पर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से कैथोड पर जमा हुआ कॉपर 99.9% शुद्ध होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं यह इनर्ट एनोड है पॉजिटिव तथा यह कॉपर शुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो कि निगेटिव यानी कैथोड है, और यह ग्रीन वो सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर अवेलेबल है। जब यह करंट प्रवाहित होती है तो कॉपर कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। नेक्स्ट प्रक्रिया है सल्फाइड ओर से कॉपर का प्राप्त किया जाना। सल्फाइड ओर की प्रोसेसिंग करने के लिए पायरोमेटलर्जी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें कि मेटल को प्राप्त करने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रोसेस यूज ए सीरीज ऑफ फिजिकल स्टेप एंड हाई टेम्परेचर टू एक्सट्रैक्ट एंड प्योरीफाई कॉपर फ्रॉम सल्फाइड ओर। अर्थात इस प्रक्रिया में हाई टेम्परेचर तथा फिजिकल प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। मुख्यतः चार चरण होते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन, थिकनिंग, स्मेल्टिंग तथा इलेक्ट्रोलिसिस। माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और क्रशिंग के बाद गोल्फ बॉल साइज के जो ओर प्राप्त होते हैं उसको पुनः मिलिंग मशीन में डाला जाता है तथा फाइन सैंड यानि बालू जैसा इसको पीस लिया जाता है। इसके बाद इसको लिक्विड के साथ ऐड करके स्लरी यानि घोल तैयार किया जाता है। द स्लरी इज मिक्स ऑफ अवेलेबल कॉपर एंड वर्थलेस रॉक कॉल्ड गैंग। इस घोल में कॉपर तथा बेकार की चट्टानों के टुकड़े होते हैं जिसे हम गैंग कहते हैं। स्लरी को एक टैंक में रखा जाता है तथा गैंग से कॉपर मिनरल को अलग करने के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। केमिकल रिएजेंट कार्ड कलेक्टर्स आर एडेड टू स्लरी एंड बाइंड टू द कॉपर पार्टिकल मेकिंग देम हाइड्रोफोबिक और वाटरप्रूफ। यानि स्लरी में कलेक्टर नाम के रिएजेंट को मिलाया जाता है जो कॉपर पार्टिकल को वाटरप्रूफ बना देता है। इस टैंक में पाइप के द्वारा हवा ब्लो करी जाती है जिससे कि बबल्स क्रिएट होते हैं। यह बबल वाटरप्रूफ बन चुके कॉपर को अपने साथ ले लेता है। द फ्रोथ ऑफ कॉपर इज बबल्स एट टॉप ऑफ टैंक देन स्किम्ड ऑफ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इस प्रकार से जो झाग जिसमें कि कॉपर के पार्टिकल्स मौजूद हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और गैंग में बचा हुआ पदार्थ डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। फोर्थ फ्लोटेशन के बाद अगली प्रक्रिया थिकनिंग कहलाती है। द फ्रोथ इज पोर्ड इनटू लार्ज टैंक कॉल्ड थिकनर्स। तो जो ये झाग ऊपर की सतह से हटाया गया था इसको बड़े टैंक जिसे कि थिकनर्स कहते हैं उसमें डाला जाता है और ये बबल्स टूटकर सॉलिड रूप बना लेते हैं और बचा हुआ भाग टैंक के बॉटम में आ जाता है। द सॉलिड आर देन फिल्टर टू रिमूव एक्सेस वाटर विच कैन बी रीयूज। इसमें से एक्सेस पानी को हटा लिया जाता है जिसे कि हम
पुनः यूज में लाते हैं। थिकनिंग के द्वारा बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट 30% तक कॉपर तथा अन्य मेटल्स को रखता है और इस प्रकार से बने हुए कॉपर कंसंट्रेट को हम स्मेल्टिंग प्रक्रिया के लिए स्मेल्टर में भेजते हैं। एट द स्मेल्टर हाई टेम्परेचर आर यूज टू फर्दर प्योरीफाई द ओर इन ए सीरीज ऑफ स्मेल्टिंग स्टेप्स। स्मेल्टर में स्मेल्टिंग की विभिन्न चरणों के लिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। द कॉपर कंसनट्रेट इज फर्स्ट सेंट थ्रू स्मेल्टिंग फर्नेस अप टू 2300 डिग्री फारेनहाइट एंड कन्वर्टेड इन टू मॉल्टेड लिक्विड। पहले स्टेप में कॉपर कंसनट्रेट 2300 डिग्री फारेनहाइट तक गर्म होता है और पिघले हुए धातु में बदल जाता है। द हीटेड लिक्विड इज पोर्ड इन टू स्लैग सेटिंग फर्नेस। इस प्रकार से पिघली हुई धातु को स्लैग सेटलिंग भट्टी में रखा जाता है। इस प्रोसेस प्रोड्यूस ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैट ए मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फर आयरन एंड स्लैग। इस प्रक्रिया से एक मैट बनाया जाता है जो कि कॉपर सल्फर आयरन तथा स्लैग का एक डेंस मिक्सचर होता है जिसमें आयरन सिलिका तथा अन्य अशुद्धियाँ मौजूद रहती हैं। कॉपर मैट क्रिएटेड बाय स्मेल्टिंग फर्नेस कंटेन 60% कॉपर। स्मेल्टिंग फर्नेस से निकले हुए कॉपर मैट में 60% तक कॉपर होता है। द मोल्टन मैट इज देन टेकन टू अनदर फर्नेस कॉल्ड ए कन्वर्टर टू हैव रिमेनिंग आयरन एंड सल्फर बर्न ऑफ। मैट को पुनः कन्वर्टर नाम की फर्नेस में भेजा जाता है जिससे कि आयरन तथा सल्फर बर्न ऑफ हो जाते हैं तथा फाइनल प्रोडक्ट में 98% तक कॉपर होता है जिसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। द कॉपर एनोड आर देन डिफाइंड इन अ फाइनल स्टेप कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा कॉपर फाइनल प्राप्त किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड के बड़े टैंक में एनोड रखे जाते हैं। प्योर कॉपर के थिन सीट्स जो कि कैथोड के रूप में कार्य करते हैं जिनका वजन लगभग 15 पाउंड होता है एनोड्स के बीच में इन्हें रखा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फाइनल प्रोसेस टू प्योरीफाइंग सल्फाइड ओर इनटू कॉपर कैथोड। सल्फाइड ओर को कॉपर कैथोड पर जमा करने के लिए फाइनल प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस की करी जाती है। इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन हैव द लीव द एनोड and move in solution through the electrolyte to be plated on cathode। विद्युत धारा प्रवाह करने से एनोड पर जो कॉपर आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से गुजरते हुए कैथोड पर जमा हो जाते हैं। दूसरी मेटल तथा इम्प्योरिटीज वो भी एनोड को छोड़ देती हैं तथा टैंक के बॉटम में जमा हो जाती हैं या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में उपलब्ध रहती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को बाद में रिफाइन करके दूसरी धातुएं भी जैसे कि सिल्वर तथा गोल्ड प्राप्त की जाती हैं। लगभग 14 दिन की इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के बाद 15 पाउंड का कैथोड अब लगभग 375 पाउंड का प्योर कॉपर का कैथोड बन जाता है। इस चित्र में ये दिखाया गया है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया।
प्योर कॉपर की पतली कैथोड तथा इम्प्योर कॉपर का एनोड बना रहता है, जिसमें से करंट प्रवाहित करने पर इम्प्योर कैथोड से कॉपर आयन मूव करके प्योर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। थैंक यू।